सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक होगा हमारा मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से, जिसका प्लूरल जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। ओके, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है, मैट्रिक्स बोलो या मैट्रिसेस बोलो तो बात एक नहीं होती है। बट जैसे बॉय बोला, बॉयज़ बोल दिया, तो बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज़ हो गया। इन द सेम मैनर मैट्रिक्स का प्लूरल जो फॉर्म है उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। तो व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज सिंपली अ अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स क्या होता है? एक अरेंजमेंट हो गया आपका, अरेंज करना इन अ प्रॉपर मैनर, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, तो कैसा अरेंजमेंट अगर हम देखें तो एग्जांपल लें, सपोज करो यहाँ पे मैंने दो बॉयज़ ले लिए, ए एंड बी आर टू बॉयज़ सपोज, और इनके डिटेल्स यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पेंस एंड पेंसिल्स। ओके, ए के पास कितने हो गए? दो पेन है सपोज कीजिए, और पेंसिल है इसके पास थ्री, और बी के पास थ्री पेंस हैं और पेंसिल्स हैं टू। ओके, तो हमने इनको अरेंज करके लिख दिया इन प्रॉपर मैनर। तो यही जो अरेंजमेंट है टू थ्री थ्री टू, जो अरेंजमेंट है ये आपका क्या बन गया? मैट्रिक्स। ओके, तो ये इसकी कोई एक वैल्यू नहीं होती है, इट इज़ सिंपली एन अरेंजमेंट। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, तो ये किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिनोट नहीं करता है और ये केवल एक सिंपली अरेंजमेंट है। ओके, तो इसके आगे बढ़ते हैं अभी हम इसकी डेफिनेशन की ओर। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अरे मीन्स अरेंजमेंट, having m rows and n columns is called a m cross n matrix. Okay, is called a m cross n matrix. Means कहने का मतलब क्या है? Suppose कीजिए मैंने कुछ चीज़ें अरेंज कर दी rows और columns के form में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो ये मैंने अरेंज कर दिया और यहाँ पे जो आपका 2, 3, 4 है, 2, 3, 4 आप देख रहे होंगे, ये आपका रो हो गया रो 1, एंड ये आपका 5, 6, 7 क्या हो गया? रो 2, सेकेंड रो हो गया आपका ये। एंड अगर कॉलम्स की बात करें तो वर्टिकल ऑर्डर में 2 और 5 क्या हो गए? 2 और 5 कॉलम 1 में आ गए, और 3 और 6 आपका कॉलम 2 बन गया, ये कॉलम्स बन गए, और यहाँ पे ये बन गया आपका कॉलम 3। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन कह रहा है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। तो यहाँ पे रोज जो हैं, रोज कितने हैं आप देख लीजिए, गिन लीजिए, रो 1 और रो 2, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। एंड कॉलम्स कितने हैं? कॉलम्स आर C1, C2, 3, तो 3 कॉलम्स हो गए। तो टोटल नंबर्स इसके अंदर होंगे, टोटल नंबर्स होंगे, ओके, ये आपका एम को डिनोट कर रहा है रोज, और कॉलम एन को डिनोट कर रहा है। तो रोज को हमने एम से डिनोट किया और कॉलम्स को किससे डिनोट किया? एन से। तो नंबर्स हो गए आपके एम इंटू एन, दैट मीन्स 2 × 3 = 6 इसके अंदर नंबर्स होंगे। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना है आपका, इसके अंदर 6 नंबर्स हो गए। ओके, और जो इसका ऑर्डर बनेगा, ठीक है, ऑर्डर को हम 6 नहीं लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपका क्लियर होना चाहिए। जब कोई मैट्रिक्स लिखें तो वो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगा। कितने नंबर्स होंगे? एम एन नंबर्स होंगे वहाँ पे, और एम क्या है? नंबर ऑफ रोज, एंड एन क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिटन एज एम क्रॉस एन, इस फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मैं जो हमने ऊपर मैट्रिक्स बनाया, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ, तो ऑर्डर ऑफ द अबव मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द अबव मैट्रिक्स इज एम इंटू एन, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज थे 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? 3। तो हमने लिख दिया ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 3। ओके, तो 2 × 3 = 6 नहीं लिख देंगे यहाँ पे, 6 कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, क्रॉस के फॉर्म में ही लिखा जाएगा ऑर्डर को। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए
अरेंज तो कर दिया आपका, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो जाएंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स हो गए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, ये इसके एलिमेंट्स हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ओके, इसके बाद अगली चीज़ आती है, अब इसको डिनोट कैसे किया जाए। तो किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इंग्लिश जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी, ए बी कैपिटल लेटर्स में ए बी सी डी सो ऑन जेड तक, किसी भी अल्फ़ाबेट से कैपिटल बोल्ड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, उससे आप डिनोट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। ओके, पहली चीज़ तो ये होगी। और मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए साइंस का यूज़ करते हैं। तो जो कॉमन साइन है जो हमेशा ज़्यादातर यूज़ होता है, तो ये आपका ये इस तरह का ब्रैकेट यूज़ किया जाता है ज़्यादातर टाइम, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, या आप इस तरीके से भी कभी कभी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह के ब्रैकेट से, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तीन तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर आप एलिमेंट्स लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स को लिखने का। तो हम यहाँ पे कॉमन जो तरीका है पहला वाला तरीका अपनाते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ये आपका इस सेकेंड फॉर्म जो आपका बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ब्रैकेट की फॉर्म में फर्स्ट ब्रैकेट जो होता है, और उसके बाद दो डंडे हमने लिखे हैं यहाँ पे दोनों तरफ, उसके अंदर लिख दिया, सपोज़ कीजिए ये लिखा, इसके अंदर हमने 2, 3, 4, 5 इसके ऊपर ये लगा दिया, तो भी एक मैट्रिक्स हो गया। इसको हम डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट हमारा सपोज़ कीजिए मैंने ए लिख दिया यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स आपका ये हो गया। या हम ए मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, 4, 5 ऐसे, या हम ऐसे वाला ब्रैकेट लगाएँ 2, 3, 4, 5 तब भी चलेगा। ये तीनों एक ही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो पहली चीज़ ये हो गई आपकी, इसको आपका क्लियर हो गया होगा। मैट्रिक्स क्या होता है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स, ओके, रियल और कॉम्प्लेक्स, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स, एम रोज और एन कॉलम्स। ओके, इसके बाद चलते हैं आई को। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको कोई मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हमने लिख दिया ए आई जे, ए आई जे, और यहाँ लिख दिया एम क्रॉस एन। मैट्रिक्स को हम रिजेंबल ऐसे करते हैं, मींस मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है। ये आई और जे क्या है अभी पढ़ेंगे। ओके, अभी जानेंगे आई और जे क्या होते हैं। और इसके बाद हमने बनाना है मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन टू। सपोज हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी, ऑर्डर आप बना दो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का हमने एक मैट्रिक्स बनाना है, और उसके लिए कंडीशन ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मतलब क्या हुआ, जी का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सपोज़ करो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए रो 1 पे चलिए आप, रो 1 पे टॉप से रो 1 में जो पहला एलिमेंट है दैट इज़ 1, तो 1 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, पहली रो पे है, पहली रो पे है ही, और पहले कॉलम पे है। दैट मीन्स इसको हम बोल देंगे ए 1 1, मीन्स आईथ रो, और आई को, आई किसको डिनोट करता है, आईथ रो, और जे किसको डिनोट करेगा, जे एथ कॉलम। मीन्स यहाँ पे आई की जगह पे वैल्यू आएगी, या फर्स्ट रो में होगा, या सेकेंड रो में होगा, या थर्ड रो में होगा, सो ऑन। ठीक है, एंड जे का मतलब या तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम हो गया, या थर्ड कॉलम हो गया, सो ऑन। तो यहाँ पे 1 जो है आपका, 1 को हम बोल देंगे ए 1 1, ठीक है, और 2 को क्या बोल देंगे, 2 जो है आपका, 2 भी रो 1 में है, तो हम बोलेंगे इसको ए फर्स्ट रो, फर्स्ट रो पे लाई कर रहा है, और कॉलम कौन सा है इसका, कॉलम है सेकेंड, सेकेंड कॉलम में है, तो ए 1 2 लिख देंगे। ए 1 2 का मतलब यहाँ 2 हो गया। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं 3 जो है आपका कौन से रो पे है, तो ए रो इसका सेकेंड हो गया, एंड कॉलम कितना हो गया, फर्स्ट। ओके, वैसे ही 4 जो है आपका, ये 4 क्या हो गया आपका, सेकेंड रो पे है और सेकेंड कॉलम में है। ठीक है, तो हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, अगर आप नोट करें तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए 1 1, ठीक है, और ये आपका ए 1 2, ए 1 3, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स ऐसे लिखे जाएंगे ए 1 3 सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे ही चलता जा रहेगा। तो यहाँ पे
आपका ए कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ जो आपका एम है नंबर, इसका अगर सपोज करो ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो नंबर ऑफ जो आपके इसमें नंबर ऑफ पहला वाला तो वन ही रहेगा आपका, सॉरी ए वन एन आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स तक। अगर इसका जो ऑर्डर है एम क्रॉस एन है तो हम इस प्रकार से इसको लिख देंगे, ठीक है। फिर आपने लिखा ए टू वन, सेकेंड रो पे ए टू वन हो गया पहला जो आपका एलिमेंट है, सेकेंड रो का जो दूसरा एलिमेंट होगा वो जाएगा ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे ये लाई कर रहा है, सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा ए टू एन तक, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा गया यहाँ पे लास्ट वाला, सपोज करो इसका जो आपका एम हो गया एम एथ रो पे है, और कॉलम क्या है इसका, कॉलम कॉलम इज फर्स्ट, ओके फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद ए एम टू लिखा हमने, और उसके बाद सोन ए एम एन आ गया, ये आपका एम एथ रो हो गया, और कॉलम कौन सा हो गया एन एथ कॉलम, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा था कि एक हमने क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है, उसके लिए कंडीशन गिवन था आई प्लस जे इक्वल सॉरी ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन टू, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके, टू थ्री या सिक्स एलिमेंट्स होंगे, जिसमें टू रोज बनेंगे और थ्री कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। तो कॉलम्स कितने बन रहे, थ्री, तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम ए वन वन निकालेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे ए वन टू, फिर निकालेंगे ए वन थ्री, जहाँ तक जितने कॉलम्स हैं उतने तक करेंगे, थ्री तक चलेंगे, ठीक है। उसी टाइप से हम फिर ए टू वन निकालेंगे, ए टू टू निकालेंगे, और ए थ्री थ्री निकालेंगे, टोटल हमारे सिक्स एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे, ओके। तो ए वन वन क्या बनेगा आपका, यहाँ कंडीशन जो गिवन है ये क्या गिवन है, आई प्लस जे अपॉन टू, दैट मीन्स आई यहाँ पे वन है, वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू वन हो गया, एंड वन प्लस टू थ्री, थ्री अपॉन टू बन गया, और यहाँ पे आप क्या वन प्लस थ्री फोर अपॉन टू टू बन गया, एंड दैट मीन्स ए टू वन आपका आ जाएगा टू प्लस वन थ्री बाई टू, और ए टू टू आ जाएगा आपका कितना टू प्लस टू फोर, फोर अपॉन टू टू हो गया, एंड थ्री थ्री आ गया आपका ए थ्री थ्री आ जाएगा थ्री प्लस थ्री सिक्स अपॉन टू दैट इज़ थ्री। दैट मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस, ए वन वन ए वन वन ए वन टू, ए वन टू आपका थ्री बाई टू था, ए वन थ्री क्या बन गया आपका, ए वन थ्री आपका बन गया टू, और ए टू वन आपका थ्री बाई टू था, एंड ए टू टू टू, एंड ए थ्री 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 हो गया, ठीक है। दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू क्रॉस थ्री हैविंग टू रोज एंड थ्री कॉलम्स, ओके। हमने ये बना दिया, इस टाइप से क्वेश्चन जब आता है तो आप ऐसे सॉल्व करके ऐसे करते हैं, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो मैट्रिक्स के बारे में हल्का फुल्का सा हमने जान लिया है कि मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ए आई जे क्या होता है आपका, आई एथ एलिमेंट हो गया, ए आई जे का मतलब एलिमेंट, आई माने आई एथ रो और जे माने जे एथ कॉलम, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, तो सबसे पहले आता है आपका रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ़ इट कंटेन्स ओनली वन रो। मीन्स सपोज कीजिए आपके एक मैट्रिक्स बनाया मैंने वन टू थ्री, ये आपका एक रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और वन ही वन लिखा, तो ये भी आपका रो मैट्रिक्स कहला जाएगा। अब सपोज करो वन टू थ्री फाइव सिक्स, अब केवल इसमें एक ही रो है, कॉलम्स वगैरह चाहे कितने भी हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रो मैट्रिक्स। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन रो मैट्रिक्स कब कहलाया जाएगा, रो मैट्रिक्स कब कहलाया जाएगा, जब उसके जो नंबर ऑफ रोज होंगे केवल वन होंगे, दैट मीन्स एम की वैल्यू, जब एम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी वन के बराबर होगी, नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू वन। जब एम इक्वल टू वन होगा, एन चाहे कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स तो कितने भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ रोज एम की वैल्यू वन होगी, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, ओके। होप दिस इज क्लियर। इसके बाद सेकेंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, वन कॉलम माने वन टू, ये लिख दिया वन टू फोर फाइव, ये केवल एक ही कॉलम है इसमें,
रोज़ आपके चाहे कितने भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कॉलम एक ही है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं वन की बात करूँ तो ये आपका, देखिए अगर मैं टू की ऐसे लिख दूँ तो ये भी आपका क्या बन गया, ये रो मैट्रिक्स भी है कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी एक भी है नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी एक ही है, तो दोनों में इंक्लूड हो गया आपका ये। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब कहलाया जाएगा, अ मैट्रिक्स ए ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ एन इज़ इक्वल टू वन। नंबर ऑफ़ कॉलम जब वन होंगे तभी वो आपका कॉलम मैट्रिक्स कहला जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ माने एम चाहे कुछ भी हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, एम हज़ार हो जाए चलेगा। ठीक है, होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद आया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स मैंने लिखा टू थ्री फोर और यहाँ लिखा वन टू फाइव। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना दिया। तो इसमें देखिए आप नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ माने एम की जो वैल्यू है, सॉरी एम की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ़ रोज़ हैं आपकी टू एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं थ्री। ठीक है, बोथ एम एंड एन आर नॉट इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तभी जाके वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाया जाता है। अगर सपोज़ कीजिए मैंने ये लिखा वन थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे एम जो आपका टू है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं टू हैं, बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ। ओके, तो कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ इफ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। ओके, ये कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। दैट मीन्स अभी हम एग्जाम्पल लिया था वन थ्री फोर फाइव का, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं टू एंड द नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर आल्सो टू। दैट मीन्स बोथ आर इक्वल, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल, दैट मीन्स इट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो इसमें हो गया अ मैट्रिक्स ए ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज़ इक्वल टू एन। जब एम जो है आपका एन के बराबर होगा, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल, देन इट विल बी ए सेट सेट टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ लिखा वन फोर सिक्स सेवन एट नाइन थ्री फोर फाइव, तो आपका ये नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे कितने हो गए, नंबर ऑफ़ रोज़ हो गए आपके थ्री एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज ऑल्सो थ्री। सो दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बोलेंगे इसको हम। ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे हम इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। ओके, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर ऐसे पढ़ा जाता है, तो इसमें आपने दिमाग में रखना है। क्लियर, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली कंडीशन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल की बात तो आएगी नहीं। और दूसरा, इसके जो होंगे ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी जीरो। मीन्स अगर मैंने एक एग्जांपल लिया टू थ्री सॉरी टू ज़ीरो थ्री ज़ीरो, तो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया, दोनों नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन इसमें प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बाकी सब जीरो होंगे तभी जाके वो आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। ओके, सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं वन टू थ्री, बाकी सब हमने ज़ीरो लिख दिए रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, तो ये आपका क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, तो इसके लिए कंडीशन है ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन I is not equal to J। जब I और J equal नहीं होंगे तभी ए आई जे जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होंगे। ओके, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बात करें हम स्केलर मैट्रिक्स की। अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ भी स्केलर मैट्रिक्स किससे बना, डायगोनल मैट्रिक्स से बना। इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जब इसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सपोज़ करो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया हमने,
और लिख दिया यहाँ पे 2 2 1 0 0। तो आप देखिए इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स वो आपके ज़ीरो नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने इसको और लिखा आपका, और लिखा हमने कोई और एग्जांपल लिया 4 4 4, ये ऑर्डर थ्री का हमने बना दिया, ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं, सेम कांस्टेंट वैल्यू है सब में, सब 4 4 4 हैं और पहले वाले में सब सेम थे 2 2 2 सॉरी 2 2। तो ये आपका क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स ए आई जे विल बी इक्वल टू, सॉरी ए आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, विल बी कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू के। ए आई जे क्या होगा, के होगा कब, वेन आई इज इक्वल टू जे। तो इसके लिए दो कंडीशन होंगी, तो वेन आई इज इक्वल टू जे एंड ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा वेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। तो दो कंडीशन हो गई इसमें, ए आई जे जो इक्वल टू जीरो बनेगा जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे, और ए आई जे की वैल्यू के बनेगी जब आई और जे इक्वल होंगे। तो कंडीशन यहाँ पर आपके सामने में क्लियर है, ओके, होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद आया आपका यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन। तो वैसे ही वाली बात आ गई आपकी जब अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ठीक है। पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात की थी, फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स की बात की थी, अब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो दोनों नाम सेम है आपके, ओके, या यूनिट मैट्रिक्स बोलो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलो, बात एक ही है। तो अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन। जैसे मैंने ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जो कि जो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं इसके एलिमेंट्स जो हैं वन है। देखिए आप, तो ये आपका ऑर्डर टू का एक क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, वन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, ओके। तो यहाँ पे 1 2 सॉरी 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ओके, होप दिस इज़ क्लियर। जिसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, सारे के सारे वन, तभी जाके वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाया जाएगा, ओके। तो आप मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, तो ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, एन क्रॉस एन। और आपकी जो ए आई जे होगा, ए आई जे इक्वल टू वन होगा कब, वेन I is equal to j, और ए आई जे इक्वल टू जीरो आना चाहिए when I और j आपके इक्वल नहीं होंगे, ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो उसके बाद बात करते हैं हम सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स इफ इट हैज़ वन एलिमेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स सिंगलटन कब कहलाया जाएगा, जब उसके पास क्या होंगे, एक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स सपोज मैंने 1 लिख दिया ये आपका, या 2 लिख दिया, ठीक है, सपोज़ कोई कांस्टेंट के लिख दिया, तो ये आपका एक सिंगलटन मैट्रिक्स बन गया, ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो इसको तो आप क्या समझाने की जरूरत है, तो ये क्लियर ही है आपका, सिंगलटन मैट्रिक्स ऐसे हो जाएगा, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है क्या आपका, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी दो हो गए आपके, एक तो अपर ट्राइंगुलर और दूसरा हो जाएगा आपका लोअर ट्राइंगुलर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोअर ट्राइंगुलर, ओके। तो दो तरीके के हो गए आपके ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर, देखिए ध्यान से पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर होने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इज सेड टू बी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स ईच एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। मीन्स अबव या बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो। सपोज कीजिए मैंने ऑर्डर टू का कोई मैट्रिक्स बनाया, यहाँ पर ऑर्डर टू का
वन टू थ्री, ये नीचे जीरो लिख दिया। ऐसे मैंने ऑर्डर थ्री का बनाया, वन टू थ्री, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स, जीरो जीरो जीरो। तो यहाँ पे मैंने दो मैट्रिक्स बनाए, एक ऑर्डर टू का है पहला वाला, दूसरा वाला ऑर्डर थ्री का है। ठीक है, तो इनमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऑब्जर्व करने वाली बात की है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल डायगोनल आपका 1.2 है। यहाँ इसके नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बाकी सब जीरो हैं, उसके ऊपर के जीरो नहीं है, और उसको लेते हुए, ठीक है, तो इसको लेते हुए आपने काउंट करना है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल डायगोनल आपका 1.45 है सेकेंड वाले में, और इसके सारे इसको लेते हुए इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं है, बट इसके नीचे की तरफ जो भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो जीरो है। तो यहाँ पर लिख रहा है इफ़ इट्स ईच एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, अबव या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे जीरो हैं तो वो उसको बोलते हैं ट्राइंगल। तो यहाँ पे अपर ट्राइंगुलर की जब हमने बात की तो अपर ट्राइंगुलर में क्या हो गया कि जो नीचे की तरफ जो एलिमेंट्स बनेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अगर वो सारे के सारे जीरो हैं, इन दैट केस द मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर। तो यहाँ पर कंडीशन आ गई अ मैट्रिक्स एन क्रॉस एन, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा आपका, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम, इज सेड टू बी अपर ट्राइंगुलर इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। ए आई जे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे, जब आई आपका जे से बड़ा होगा। ठीक है, इन द सेम केस आप लोअर ट्राइंगुलर समझाने की जरूरत नहीं है, लोअर ट्राइंगुलर भी ऐसा ही हो जाएगा। अब मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन विल बी सेड लोअर ट्राइंगुलर वेन ए आई जे इक्वल टू जीरो वेन आई इज लेस देन जी। तो एक एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं हम, वन टू थ्री हमने डायगोनल में आ दिया, नीचे की तरफ एलिमेंट्स ले लिए टू वन टू वन फाइव, और बाकी सब हमने ज़ीरो ले लिए। ठीक है, ऊपर की तरफ प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर की तरफ के जो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं ऊपर की ओर वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, दैट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आया आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एम जो है आपका लेस होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स से, एम शुड बी लेस देन एन। तो यही कंडीशन होगी इसकी, तो नंबर ऑफ जैसे वन टू थ्री हो गया आपका, ये फोर फाइव सिक्स, ये हमने मैट्रिक्स लिखा, एक मैट्रिक्स लिखा, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं आपके m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 3। तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा हैं, सॉरी नंबर ऑफ रोज कम हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इनके इन दिस केस दिस विल बी कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ओके, ऐसे आप और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, अ मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन विल बी सेड टू बी अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स वेन m इज लेस देन n। क्लियर हो गया होगा। एंड आफ्टर दैट वर्टिकल मैट्रिक्स की भी ऐसी कहानी है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, हमने ये बनाया एक मैट्रिक्स बनाया, ऑर्डर इसका कितना हो गया, इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हो गया, तो यहाँ पे m की वैल्यू 3 है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन n हो रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम्स से ज़्यादा होंगे, इन दैट केस द मैट्रिक्स विल बी सेड टू बी अ वर्टिकल मैट्रिक्स। तो होप दिस इज क्लियर। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपका क्लियर हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है आपका नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। तो क्लियर है, अगर हम ऐसे ले लें या हम ऐसे ले लें, ऑर्डर टू का बनाएं या ऑर्डर थ्री का बनाएं, वन टू थ्री, तो ये इस तरह के जो आपके मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है, ये आपके बने। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। सपोज कीजिए आपने ऐसे भी बना दिया, जो इन्हीं की स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, ये आपका ऐसे बना दिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं आपका ये, ठीक है, तो ये इसमें नंबर ऑफ़ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ़ रोज 2 हैं, m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है,
एन की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दैट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं, तो जो यूनिक की स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, अगर इसके सारे के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हैं, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स, ओके, या नल मैट्रिक्स, क्लियर हो गया। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आता है सब मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स लिया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर हो गया आपका इसका, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसमें हमने सपोज की जो एक रो और एक कॉलम को हमने डिलीट कर दिया, ये मैंने ब्लू कलर से डिलीट कर दिया, तो बचा कि आपके पास जो 5, 6, 8, 9, तो ये आपका एक सब मैट्रिक्स कहलाया जाएगा इस मैट्रिक्स का जो पहले वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। तो ऐसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपने एक मैट्रिक्स लिया, इसमें आपने फिर से डिलीट किया, चलो हमने इसमें एक रो को पहली रो को डिलीट कर दिया और पहले कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा कि आपके पास 7, 8, 9, ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स बच गया। तो ये जो बचा मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो ऊपर वाला ए था और नीचे वालों को अगर मैं बी लिखूँ तो बी विल बी कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ओके। तो होप दिस इज़ क्लियर। तो हमने डिस्कस किया आज मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिसेस, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं होप कि आपके दिमाग में ये चले गई होंगी, ठीक है। तो अगर जिसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा देखिए चीज़ें, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इलेबोरेट करके समझा रखा है। सो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स वेरी क्लियरली। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।